पांच या छह असाइनमेंट आ गए होंगे टोटल। अब असाइनमेंट करेंगे तो वो असाइनमेंट्स के मैंने आपको कहा था कि उसके 20 मार्क्स हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 20 20 40 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब ये 40 मार्क्स जो है इसके लिए मैं आपको फिर कह रही हूँ कि ये 40 मार्क्स पूरे के पूरे स्टूडेंट को मिले ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर मुझे असाइनमेंट कॉपी पेस्ट लगे कि एक सपोज एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया और उसने उसी की छपाई कर दी, या फिर उसी के ही असाइनमेंट को नाम चेंज करके मुझे सबमिट करा दिया, ठीक है, या फिर उसने जो है वो शुरू के एक आध पेज सबमिट करवा और आखिर में पेज ही नहीं करवाया, या फिर उसने किसी और सब्जेक्ट के असाइनमेंट का नाम चेंज किया और मुझे सबमिट करा दिया, क्योंकि ये पिछले सेमेस्टर में ये सारी चीजें मैंने फेस की हैं, तो उसके मार्क्स ऑन द स्पॉट कम आएंगे, तो फिर बाद में मुझे मत बोलिएगा मैं 40 नंबर तो मेरे असाइनमेंट पे ही रिजर्व थे, आपने मुझे जो है वो फिर भी 50 नंबर दी, तो उसमें से मैं किसी एक के भी स्टूडेंट के मार्क्स असाइनमेंट कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करूंगी, ये बात सुन लीजिएगा। जिसकी जितनी कंट्रीब्यूशन लगेगी असाइनमेंट पे मैं उतने ही नंबर दूंगी उसको, समझ आ रही है? तो ये एक तो आपके पास 40 हो गए, एक तो आपके पास 20 मार्क्स की प्रेजेंटेशन और 20 मार्क्स की आपके असाइनमेंट्स हो गए, ये दो चीजें आपकी 40 मार्क्स पे हो गई। ठीक है, अब तीसरी आ जाती है 60 मार्क्स पे। तो 60 मार्क्स के लिए आपको बेसिकली करना क्या है, 60 मार्क्स के लिए, 60 मार्क्स के लिए मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट्स अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि हम किस तरीके से जो है वो आगे लेके चलेंगे चीजें। ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा, मतलब अभी सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट फैब से ओपन हो रहे हैं, तो देखें क्या पता फिजिकल एग्जाम ही हो जाए। ठीक है, फिजिकल एग्जाम हो जाएंगे तो और अच्छा है, फिर हम क्या करेंगे, 60 मार्क्स का पेपर लेंगे आपसे, और 60 मार्क्स के पेपर में जितना भी अब तक के मैंने आपको समझाया है उन सारी चीजों का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, उन सारी चीजों का आपका एग्जाम होगा और उस एग्जाम में 60 मार्क्स आपके रिजर्व होंगे। ठीक है, फिर फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन आपकी 20 40 और 16 दोनों को रख के जो भी आपने ऑब्टेन किए होंगे उस पर रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि कंटेंट से रिलेटेड, 60 मार्क्स के कंटेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देखिए जो कंटेंट मैंने आपको पढ़ा दिया वो तो सारा इंक्लूडेड होगा, ठीक है, और दूसरा ये कि उसके तमाम असाइनमेंट्स भी 20 मार्क्स के ऐड होंगे। तीसरी चीज ये कि बाकी स्टूडेंट्स और सीआरस की, डेफिनेटली सीआर की बातें आ रही हैं मेरे पास कि मिस कोर्स कंटेंट को कम कर दें या फिर आप स्टॉप कर दें, ये बहुत ज्यादा हो गया हमारा। ठीक है, तो इस बात को मैं थोड़े से रख लेती हूँ मद्देनजर और अपने कोर्स कंप्लीट कंटेंट को खुद स्टॉप कर रही हूँ, हालांकि रहता अभी भी बहुत ज्यादा है लेकिन चलें अब आप लोगों का काफी ज्यादा हो चुका है तो इस वजह से फिर मैं स्टॉप कर रही हूँ। अब आखिरी चीज जो मुझे सिर्फ पढ़ानी है वो है एक कोरिलेशन और एक है रेगुलेशन, इसको भी मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ लेकिन मैं इन डेप्थ नहीं पढ़ा रही। आपके सामने देखें ये स्लाइड है और ये स्लाइड 27 की मौजूद है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको दो टॉपिक्स पढ़ाना चाह रही हूँ और वो टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए छुड़वा नहीं सकती आपको। ठीक है, बाकी ये 27 स्लाइड क्योंकि इसके अंदर इन डेप्थ बहुत ज्यादा डिफाइंड है तो इन डेप्थ नहीं पढ़ा रही, बस इस टॉपिक को आखिरी टॉपिक समझ के इसे एंड करते हैं, और इसको एंड करने के लिए जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि बस इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ इनके टॉपिक से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर यहीं पे ही अपने कोर्स को स्टॉप कर देंगे। और फिर जितना भी मैंने अब तक के जितनी स्लाइड जितने टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके पेपर के कंटेंट में शामिल होंगे। फिर जब पेपर की स्ट्रेटेजी हमें पता चल जाएगी कि पेपर फिजिकल हो रहे हैं या ऑनलाइन हो रहे हैं या जो भी स्ट्रेटेजी हमें नहीं पता अभी फिलहाल, जो भी होगी फिर वो उसके हिसाब से मैं आपको जूम पे या अपनी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगी कि भाई अब ये आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, कोई सवाल अब तक की चीजों के अंदर बोले? मिस, ये प्रेजेंटेशन वगैरह में कब सबमिट करनी है? प्रेजेंटेशन जल्द से जल्द सबमिट करा दें, मैं तो कहूंगी 15 जन से पहले, 15 जन तक करा दें, या फिर जिस दिन आपका पेपर है उस दिन सबमिट करवा दीजिए, जिस लेकिन दिन पेपर हो उस दिन कर लें। ठीक है उस दिन मैं आपका ड्राइव का लिंक ओपन होगा, जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन ड्राइव का लिंक ओपन होगा, ये सारे 40 नंबर आप मुझे वहां सबमिट करवाएंगे। ठीक है, अपने नाम का आप एक फोल्डर बना दीजिएगा, मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगी, आपके सीआर को प्रोसीजर बता दूंगी, आपके सीआर आपसे रिसीव कर लेंगे उसी प्रोसीजर पर। ठीक है, तो आपने वो ड्राइव पे अपना सामान अपलोड कर देना है, फिर मैं वहीं से डाउनलोड करूंगी। अच्छा मिस, जिन्होंने असाइनमेंट कॉपी में किए हैं यानी कि जो आपने दिए तो वो उसको पे आपको कॉपी के समेत कर दें? नहीं, कॉपी का मतलब ये है कि कॉपी से आप इमेजेस लीजिए और इमेजेस को वर्ड पे पेस्ट करें, उसकी पीडीएफ बना के मुझे सेंड करें। ओह अच्छा ठीक है, उस इमेजेस लेते जाएं, जैसे मैं इमेजेस ले लेके बुक से आपको यहाँ पे पेस्ट कर करके दे दी, ऐसे आप भी पेस्ट करके दे मुझे।
अच्छा आपसे एक बात पूछनी थी कि जो हमने क्लासरूम पे सबमिट किए हुए असाइनमेंट्स वो भी इसी तरीके से ड्राइव पे सबमिट होंगे? कितने असाइनमेंट वहां सबमिट कर दिए आप लोगों ने? मिस लैब्स भी हैं और असाइनमेंट्स भी हैं, दो असाइनमेंट्स हैं शायद, दो असाइनमेंट हैं, दो या तीन असाइनमेंट है। अगर बहुत ही मुनासिब होगा अगर आप सब एक फोल्डर में करके मुझे सेंड कर दें। ठीक है मिस, ठीक है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं हर स्टूडेंट का एक फोल्डर निकालूंगी और एक ही फोल्डर से सब कुछ देख लूंगी, वरना फिर मुझे सीआर से लेना पड़ेगा उनकी परमिशन, फिर वो मुझे सेंड करेंगे तो काफी इशू हो जाएगा। अगर बहुत अच्छा होगा कि आप ये सारा मटेरियल ना मुझे एक ही बार दे दीजिएगा, एक ही फोल्डर बना के। मैम अभी जितना जो कराया है इसमें कोई कमी बेशी है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ऑलरेडी मैंने स्टॉप कर दिया। अभी मैं तुम्हें अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखो, अभी भी अगर मैं तुमसे शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, अभी भी आपका काफी कंटेंट रहता है। मेरे पास प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनी हुई है लेकिन आप लोगों की वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पा रही, लेकिन आई नो कि आप लोगों पे भी काफी ज्यादा हो गया क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत कम स्टेट्स पढ़ी है। ये वजह है कि जिसकी वजह से आप लोगों को जो है वो इस सेमेस्टर में काफी स्टेट्स बननी पड़ गई। फिर भी बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा ही है, ज्यादा जी मैम, क्योंकि या तो फिर आप इतना कर दें, कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स कर दें मैम। ये देखो भी तुम्हें कितने लेक्चर्स पढ़ाए, आई थिंक यहाँ से 8 तक के पढ़ाए, अभी भी ये 9 10 11 12 13 ये तीनों तुम लोगों के कहने पे स्टॉप करवाए। मैम चले वो बात ठीक है, लेकिन मैम अभी देखे अभी अचानक से कैलकुलस की क्लास हो गई जो पूरे सेमेस्टर नहीं हुई थी, उनका बोर्ड वो बर्डन आ गया, कंप्यूटर की तो हो ही नहीं रही है मैम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जी मैम, वो तो एक क्लास भी नहीं हुई। मैं सर बदर ने नहीं ली, वो मिस एक भी नहीं ली, एक भी क्लास नहीं ली, वो नहीं पढ़ाते तो फिर पढ़ा रही थी असिस्टेंट आई नहीं मैम, मुझे रीडिंग को आई गेस पढ़ा रही है, दो क्लासेस ही ली थी मिस फर्जी ने, ये दो क्लास। और मैम ये पता है ना, ये एंड के दिनों में सारा लोड हमारे ऊपर ही आने वाला है, इसलिए पेपर फिर फिजिकली होंगे और पूरा बुरा आएगा। और मिस फिजिक्स की क्लास भी नहीं हुई है अभी, उनका भी कोर्स नहीं खत्म हुआ, फिजिक्स में भी उन्होंने भी सिर्फ पीपीएस पकड़ा दिए हैं कि वो भी करनी है, फिर कोई लेक्चर नहीं हुआ, यूट्यूब से लिंक दे दिए, तो